अरे इस पर्दे लेके क्या कर रहे हो रूम में? धोना है अभी इसको, या तो धोना है तो बाथरूम में लेके जाओ ना। नहीं मशीन में धोऊंगी आज। यार ये क्या मजाक है, मशीन में आपको पता नहीं पर्दा खराब हो तो उसका चूड़ी। नहीं खराब होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। यार रहने दो, ये पर्दे जो है ना इसके चूड़ी और ये पट्टी खराब हो जाते हैं मशीन में धुलने नहीं से। खराब होगा, मैं एक जबरदस्त जुगाड़ लाई हूँ, उससे बिल्कुल खराब नहीं होगा और अच्छे से धुल भी नहीं जाएगा। नहीं कोई जुगाड़ नहीं दिखाना है, आप इतने महंगे पर्दे आप बाथरूम में लेकर रखो, इसको कल सुबह धो लेना, आप जरूरत नहीं है ये नहीं मशीन मेरे को में। बाथरूम में धुलने में दिक्कत होता है ना, तो इसी वजह से मशीन में धुलती हूँ, और अब बहुत आसानी से धुल जाता है। और मतलब इसका चूड़ी भी खराब नहीं होता है, चूड़ी टूटता भी नहीं है, और जो पीछे पट्टी लगा रहता है ना, ये भी खराब नहीं होता है। यार खराब हो जाएगा, समझो बात को। नहीं खराब होगा ना, मैं बोल रही हूँ ना, गारंटी दे रही हूँ कि नहीं खराब होगा। कैसे? अभी बताऊंगी आप लोगों को भी बताऊंगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे करूंगी मैं ये। यार लाइक शेयर फॉलो सब कर देते हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है ये मशीन में धुलोगे तो ये हाँ आपको पता है पहले एक बार खराब हो रखा है, फिर भी आप ये गलती कर रहे हो। नहीं खराब होगा ना, इस बार देख लेना ना, एक अभी जबरदस्त जुगाड़ लाई हूँ जिससे बिल्कुल खराब नहीं होगा, और आपको प्रूफ भी दूंगी लास्ट में, जब ये धुल जाएगा ना तो दिखाऊंगी कि ये टूटा है या नहीं, खराब हुआ है कि नहीं, देख लेना आप। पता नहीं क्या जुगाड़ लगा, तो फिर ज्यादा पर्दे में ट्राई मत करो। ज्यादा ज्यादा क्या, 4-5 पर्दे लिए हैं मैंने अभी, जितना इसमें आएगा उतना ही लिया है मैंने। तो तो क्या जुगाड़ बताओ ना पहले। हाँ चलो बताती हूँ ना, तो सबसे पहले हम ये जो चूड़ी वाला साइड है ना, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फोल्ड करने के बाद हमें लेना है एक सॉक्स जो खराब हो चुका हो, प्लास्टिक भी खराब हो गया हो, वैसा सॉक्स लेंगे, और सॉक्स लेके इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो यार ये क्या मजा आ गया यार, सॉक्स में आप कुछ भी डाल देते हो भाई। नहीं जुगाड़ अच्छा लगता है कि नहीं ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी यूजलेस हो। चलो धुल लो, उसके बाद ही देखते हैं कैसा जुगाड़ हाँ आता तो इस तरह से घुसा दिया, इसमें एक और पर्दा चला जाएगा, तो है। देखिए एक इस तरह मोजे में दो पर्दे? दो तो पर्दा, यार उसमें दो पर्दे आ जाएंगे, हाँ तो आ जाएंगे, देखिए मतलब पूरे पर्दे कैसे जाएंगे मोजे के अंदर? पूरा पर्दा नहीं डालना है, सिर्फ ये जो रिंग वाला साइड था ना, चूड़ी वाला हाँ और पट्टी वाला, वो डालना है सिर्फ हमें। पता नहीं क्या मजाक कर रहे हो ना आप, समझ में नहीं आ देखिए रहा। जितना अंदर जा सके उसको लेके जाएंगे अंदर, ये तो निकल जाएगा मशीन चलने पे। नहीं निकलेगा ना, इसका भी जुगाड़ है ना मेरे पास। अब देखिए कोई भी रबर बैंड ले, जो पतला वाला जो आता है ना मिठाई में लगाते हैं वो वाला, दो दो लेंगे, और दो लेने के बाद इस तरह से इसमें लगा देंगे। देखिए इसमें लगा दिया, इसमें दो पर्दे मैंने डाला है और रबर बैंड भी लगा दिया इस तरह से। तो इसी तरह से मैं जो दूसरा वाला है ना सेट, इसमें भी लगा लेती हूँ। मतलब ये मोजे निकलेंगे नहीं इसमें से? अच्छा नहीं रबर बैंड लग गया है ना, अब नहीं निकलेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको भी मैं लगा लेती हूँ, देखिए इसमें दो पर्दे घुस गए, अब इसमें भी रबर बैंड लगा दूंगी दो। देखिए पहले एक लगाती हूँ मैं, केयरफुली लगाइएगा नहीं तो टूट जाता है रबर। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया, तो सबके घर में ये रबर बैंड आता ही है, मिठाई उठाई आता है उसमें रहता है, तो इस तरह से लगा देंगे। हमारा दोनों पार्टीशन तैयार हो गया है। अब तैयार करेंगे सरफ। तो सरफ का लॉजिक आप लोगों को पता ही है, मैं सॉक्स में डाल के ही वो करती हूँ। ये लॉजिक मेरे को अच्छा लगा था, बट अब पता नहीं पर्दे वाला आपका फ्लॉप होता है क्या होता है। ये लॉजिक फ्लॉप नहीं होगा, जैसे होता है वैसा ही होगा। तो लोग बोलते हैं कि मशीन में लिक्विड सर्फ डालना चाहिए। ये लिक्विड का काम करता है, वैसे ऐसे नहीं गिरता है। तो इस तरह से लगा दिया मैंने, इसमें डाल दिया, अब गांठ बांध देंगे। देखिए हमारा सर्फ का पोटली बन गया है, अब हम इसको डालेंगे मशीन में। पता नहीं आपका आइडिया फ्लॉप ना हो जाए। फ्लॉप नहीं होगा, ये अजमाया हुआ तरीका है। आपके सारे तरीके आजमाए हुए होते हैं हाँ अजमा लेती हूँ फिर मैं वीडियो में दिखाती हूँ। भाई। पोटली भी डाल दी है? पोटली भी डाल दिए, देखो यहाँ पे ये पोटली इधर साइड में डाल दिया। अब करेंगे ऑन क्या मोड पे चलाओगे इसको? नॉर्मल, अभी क्यू कॉस्ट में है तो तेरे नॉर्मल में कर दिया हमने, अभी स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मल में ही रखेंगे हम। ज़्यादातर मैं कपड़े नॉर्मल में ही धोती हूँ। मतलब इसका रिजल्ट दिखाओगे? हाँ रिजल्ट दिखाऊंगी, अगर फेल हो गए बेटा तो भी दिखाना पड़ेगा हाँ आपको। दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी।
फेल हो गए तो भी हाँ फेल हो गई तो भी दिखाऊंगी, पास हो गई वो भी दिखाऊंगी। तो ठीक है। चलो फिर कितने देर थर्टी लगेगा? एट मिनट दिखा रहा है इसमें। 38 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ अब देखिए पानी आने लगा है और अब मिलते हैं 38 मिनट बाद। अरे धुल गया आपका पर्दा? हाँ धुल गया है, आओ आपको दिखाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यार दिखाओ फटाफट, इसका पर्दा चूड़ी खराब हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो है जैसे हमने लगाया था वैसे ही है, रबड़ खोल टूटा के कि भी नहीं? दिख, रबड़ भी नहीं टूटा है देख सकते हैं। वाह, और निकालो एक बार। ये तो एक है, दूसरा भी ये है, वाह, मेरे को लगा था रबड़ टूट जाएगा यार। रबड़ भी नहीं टूटा है, दोनों निकाल दिया। और अब दिखाते हैं इसका रिजल्ट, खोलो खोलो मैं खोलो इस पे फटाफट रखती खोलो। हूँ, इसका रबर निकालती हूँ एक एक करके। हाँ मेरे को तो लग रहा है टूट गया होगा। नहीं टूटा होगा, आराम से आराम से। देखिए देखिए देखिए, उरी एक भी निकला भी नहीं है, चेक करो सही से। चेक कर लो आप ही। ये देखो सारे के दूसरे सारे, दूसरे पढ़ते देखो। और है ना, अरे एक हाथ में लियो, दोनों दोनों का नहीं गिरा। बाप, एक भी चूड़ी नहीं निकला। एक भी चूड़ी नहीं निकला है। माय गॉड, और और सर्फ लगने का हमारे तो झमेला ही नहीं, मोजे में डाला हाँ था मोजे सर्फ। में डाल दिया था, तो ये दूसरा रहा दूसरा चेक पोटली, करो ये रहा पोटली सर्फ का, सर्फ का। दूसरा चेक करो, दूसरा चेक तो करो। दूसरा चेक करती हूँ, माय गॉड, ये रहा हमारा दूसरा पोटली, गजब का ट्रिक लाए हो यार। तो इसको भी निकालती हूँ मैं। सबके घर में बेकार मोजा होता ही है जिसका लास्टिक खराब हो खुलाना गिराना गया। उसको, सेक करना, गिर रहा कि नहीं? अरे देखो यार, एक भी चूड़ी निकला एक नहीं। भी चूड़ी निकला नहीं है, फटना तो दूर का टूटना तो दूर का, एक भी चूड़ी खुद से इसमें से निकला नहीं है। ऐसे हाथ से भी धोते हैं ना तो निकल जाता है, हाँ, हाथ से निकल जाता है। लेकिन देखिए मशीन में धुल दिया इसको और फिर भी ये निकला नहीं है। भाई साहब गजब है, आपको भी लगाना ये ट्रिक। तो कैसा लगा आप लोगों को, आपको कैसा लगा, यार गजब भाई गजब। गजब है ना। हाँ तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे, सबके घर में बहुत सारे पर्दे होते हैं, रूम होता है तो दो दो तीन तीन पर्दे लगे ही रहते हैं, तो इतने सारे हाथ से धोना ना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से धोएंगे तो हमें आसानी भी हो जाएगा, हमारा चूड़ी भी नहीं खराब होगा, पर्दा भी खराब नहीं होगा और सेफ अच्छे तरीके से, आपको मेहनत भी नहीं लगेगा, मशीन में धो लीजिए आराम से। सही बात है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।